फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या चेंजेस आते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है, अंडा रिलीज कर रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोज बनाने का। आपको कोई क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो कोई भी क्वेरी होगी मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी प्लेलिस्ट है फीमेल हेल्थ रिलेटेड, आप उसको जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। आप अपना कमेंट भी लिखिए, कोई क्वेरी हो मुझसे बेझिझक होके पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगी। पर अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो वो आपके लिए और भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक महिला के शरीर से ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, और उस टाइम पे जब महिला रिलेशनशिप में आती है तो प्रेगनेंसी ठहरने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं और तभी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो इट मीन्स कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो भी आपको ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो भी आपको अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना आना चाहिए। अब हम ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसको किस तरह कैलकुलेट करके ट्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है। उन महिलाओं के लिए जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं वो कैसे ट्रैक कर सकती हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं अपना ओव्यूलेशन का दिन, और जिन महिलाओं के पीरियड्स इररेगुलर हैं वो कैसे कर सकती हैं, दोनों ही वीडियो मेरे चैनल पे है। मैं इस वीडियो के एंड में उनका लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर बिना कैलकुलेशन के हमें करना हो तो क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है, क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है जो बताते हैं कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है या अगले एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर बॉडी ओव्यूलेट करने वाली है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्वाइकल म्यूकस। जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है, मतलब जो सिक्रीशंस, जो एक लिक्विड निकलता है आपके वजाइना से नॉर्मली, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि जब हम उसे टच करते हैं तो वो अलग लगता है। अब अलग कैसा लगता है, जैसा एग व्हाइट होता है, जो अंडा होता है उसका सफेद वाला पोर्शन होता है जो थोड़ा पानी जैसा होता है लेकिन फिर भी स्टिकी होता है, थोड़ा सा मतलब फ्लोइंग होता है। अगर आप उसको देखेंगे, जिस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होती है, इस तरह का म्यूकस निकलता है और ज्यादा अमाउंट में निकलता है, ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है, तो उसका ये संकेत होता है कि हाँ, या तो ओव्यूलेशन हो गया है या होने वाला है बिल्कुल। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपकी जो बॉडी है नॉर्मली उसका जितना टेम्परेचर रहता है उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा रेज्ड लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि शरीर गर्म हुआ हुआ है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये बताता है कि हाँ, ओव्यूलेशन होने वाला है। नेक्स्ट, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हैवीनेस रह सकती है, आपको ब्रेस्ट थोड़े हैवी रह सकते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत पेन भी कई महिलाओं को फील होता है, जो बताता है कि हाँ, जो आपका ओव्यूलेशन है वो होने वाला है। उसके अलावा एब्डोमेन में थोड़ा क्रैम्प हो सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में, वो भी बताता है कि हाँ, ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को हल्का हल्का पैर में दर्द या बॉडी एक हो सकता है, या आपको थोड़ी सी वीकनेस लग सकती है, जो भी बताता है कि हाँ, ओव्यूलेशन होने वाला है। एक और चीज जो बता सकती है कि आपके जो सेंसेस हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, कि आपको ऐसा फील होगा कि स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ, या तो ओव्यूलेशन बिल्कुल होने वाला है जस्ट, या हो चुका है। नेक्स्ट, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ महिलाओं के साथ जो मेनली होता है कि कुछ को नौजिया और वॉमिटिंग की भी दिक्कत होती है, तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको बताता है कि हाँ, अगर वो उस टाइम पे हो रही है तो ओव्यूलेशन का टाइम है ये। एक और चीज जो सब महिलाओं में नहीं होती है बट बहुत सारी महिलाओं में देखी गई है, लाइट स्पॉटिंग या कोई ब्राउन डिस्चार्ज जाना, मतलब कि आपको एक दो ड्रॉप ब्लड आ सकता है जिसको हम ओव्यूलेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, मतलब जब अंडा रिलीज होता है ओवरी से, उस टाइम पर क्योंकि वो ओवरी से रिलीज हो रहा है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, कुछ ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हाँ, जो एग है वो रिलीज हो चुका है।
तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपको बताते हैं कि हाँ आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है। अब मान लीजिए आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो आप जो मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, आप उस तरह से अपना दिन निकाल लीजिए कि हाँ इस टाइम पर ओव्यूलेशन मेरा होने वाला है। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा जो ओव्यूलेशन है वो इस तारीख के आसपास होगा, तो उस पूरे एक हफ्ते में आप अपने बॉडी के अंदर चेंजेस को महसूस कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर 2-3 साइकिल इस चीज को नोटिस करेंगी तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये वाले सिम्टम्स आते हैं, ये वाले चेंजेस मेरी बॉडी के अंदर आते हैं। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर आपकी बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं। अब मैं एंड में दोनों ही वीडियो का लिंक लगा दूंगी जो आपको बताएंगी कि आपको ओव्यूलेशन कैलकुलेट अगर करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, जिस भी दिन आप अपना पीरियड एक्सपेक्ट कर रही हैं उससे पहले आपको 14 दिन माइनस कर देने होते हैं, और जो दिन आता है वो दिन, उससे पहले के 2 दिन और उससे बाद के 2 दिन, वो टोटल जो 5 दिन होते हैं वो आपका फर्टाइल पीरियड होता है। तो उतने टाइम पर आपको रिलेशन में आना होता है और उससे आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है। पर जो डिटेल वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पीरियड रेगुलर है तो कैसे कैलकुलेट करना है और इररेगुलर है तो कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ आ गई होगी। इन केस कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को चैनल के बारे में बताइए। एंड थैंक यू सो मच, आप ऑलरेडी चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी को कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।